शॉट की डोज होता क्या है? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, ठीक है। तो देखो, जैसे हर बार मैं करता हूँ आप लोग को, पहले तो आप लोग एक ठोस बना लो। देखो डायग्राम चित्र इसलिए बनाता हूँ मैं ताकि आप लोग बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ समझ पाए, ठीक है। देखो एक ठोस था, ये कौन सा ठोस होगा आपका? ये आपका, हम लोग किस ठोस में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक ठोस में पढ़ रहे थे, यानी कि ये जो ठोस होगा आपका कैसा होगा? आयनिक ठोस होगा। और आयनिक ठोस क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि आयनिक ठोस क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हो तो मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग एक वीडियो पीछे जाएँ, ठीक है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे ठोस अवस्था से जुड़े हुए, ठीक है। देखो ये, अब ये आपका कौन सा ठोस है? आयोनिक ठोस है, आयोनिक ठोस। अब आयोनिक ठोस क्या होता है पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो जब धनात्मक धनायन और ऋणायन होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनायन और ऋणायन से बने हुए ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक ठोस बोलेंगे। आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को देख लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। यहाँ पे बस ऐसी आपको याद रखने के लिए बताऊँ, देखो धनायन ऋणा, धनायन ऋणायन, धनायन, फिर यहाँ पे ऋण होगा, फिर धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन, और ये ऋण। देखो ये क्या है आपके, ये जो है आपका वो क्या है? धन आयन, धनायन है, धनायन। और ये जो आपका है वो क्या है? ऋण, ऋणायन, ठीक। ये दो प्रकार के आयन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, देखो ये तो था एकदम सामान्य ठोस जैसा होना चाहिए था इसको, ठीक है। ये कैसा ठोस है? एकदम सामान्य ऐसा ठोस होना चाहिए था। लेकिन देखो इसके अंदर आपको कोई दोष दिखाई दे रहा है क्या? कोई दोष नहीं है। क्यों कोई दोष नहीं है? क्योंकि दोष होता क्या है, अव्यकरणों के बीच में अनियमितता, लेकिन आपको तो कहीं नियमितता नहीं दिखाई दे रही। ये वाले में देखो लाइन में, ये वाली पंक्ति में सब बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बराबर। देखो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे ना तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके पहले जाओ पूरा वीडियो देखो अच्छे से, एकदम काफ़ी ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें मैं वहाँ पे समझा चुका, अब यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, नहीं तो फिर 10-15 मिनट पूरा जाएगा, ठीक है। तो उन शब्दों का मैं प्रयोग करूँगा जो मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाओ और वीडियो देख ले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक गिवन है, आप लोग दिए हुए हैं सारे वीडियो के लिंक, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो कायदे में इसको ऐसा ठोस होना चाहिए था, लेकिन अब देखो ऐसा ठोस होना चाहिए था, लेकिन जो क्रिस्टलीकरण के बाद जो ठोस आया, अब क्या हुआ? देखो ये एक ठोस है, फिर वही आयन बना दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आयन बना दो, अब देखो यहाँ पे आप लोग देखो ये क्या होगा, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन, ठीक है, ऐसा ही होगा। एक ऋण होगा फिर एक धन होगा, एक ऋण होगा एक धन होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, रुको बताता हूँ, पहले ये बना लूँ मैं। देखो एक ऋण और एक धन ही क्यों होगा? क्यों दो धन धन एक साथ नहीं हो सकते? क्योंकि देखो एक धन और एक ऋण दोनों कैसे हैं? विपरीत है, तो ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, और आकर्षित होंगे तो कैसे होगा? एक दूसरे से जाके एकदम सट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही देखो धन हुआ और यही धन हुआ, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को ढकेल देंगे दूर दूर, तो क्या होगा? ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा, ऐसी अवस्था में तो ठोस बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये तो दूर दूर जा रहे हैं, है ना, तो ठोस कहाँ से बनेगा? ठोस कौन सी अवस्था में बन सकता है? ऐसे
क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतरार्णविक दूरियां होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में तो अंतरार्णविक दूरियां बहुत कम हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, और इसके अंदर देखो ये तो क्या हुआ, ये दूर दूर जा रहे हैं, मतलब इनके बीच की दूरियां क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये तो ठोस नहीं बन पाएगा। फिर से देखो ये सब बातें आपको समझने के लिए ना पहले के वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एक रीढ़ होना चाहिए था और यहाँ पे एक धन होना चाहिए था। अगर ऐसा ठोस इसके अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे ठोस के लिए इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे रीढ़ और यहाँ पे धन, लेकिन क्या हुआ, ना तो यहाँ पे रीढ़ है और ना ही यहाँ पे धन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी क्या हुआ, एक रिक्त स्थान ही तो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो देखो अब रिक्त स्थान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो आयन है वो नहीं है, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रिक्त स्थान बन गया। अब रिक्त स्थान बनने की वजह से क्या आ गया, अव्यीकरण में देखो, जैसे एक ऊपर वाले देखो एक लाइन में है, इसके ऊपर वाले भी एक लाइन में और इसके ऊपर वाले भी एक लाइन में, मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं, सारे के सारे अव्यीकरण व्यवस्थित हैं, किसमें, इन तीनों में। लेकिन अब इन दोनों में देखो यहाँ का अव्यीकरण गायब है, यहाँ वाला अव्यीकरण गायब है और यहाँ वाला भी अव्यीकरण गायब है, तो गायब होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे अनियमितता आ गई, अनियमितता पैदा हो गई, नियमित होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयन गायब हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गई, यहाँ पे अनियमितता आ गई। किसके बीच में अनियमितता आ गई, अव्यीकरण है ना, ये आयन क्या है, अव्यीकरण, जिससे ठोस बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अव्यीकरण ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये अव्यीकरणों के बीच में क्या अनियमितता आ गई, मतलब अनियमितता आ गई मतलब ये क्या हुआ, एक प्रकार का दोष है, दोष में है क्या, ये रिक्त स्थान है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, रिक्तिका दोष बोल दिया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, यही है रिक्तिका दोष, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो शॉटकी दोष है वो कौन से प्रकार का दोष है, रिक्तिका प्रकार का दोष है, और इस दोष की एक खास बात है, क्या खास बात है, कि यहाँ पे धन और ऋण दोनों गायब होंगे, यहाँ पे ना तो आप सिर्फ और सिर्फ धन को गायब, ऋण को गायब कर सकते हो और ना ही सिर्फ और सिर्फ आप धन को गायब कर सकते हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, आप पढ़ क्या रहे हो, आयोनिक ठोस, आपका जैसे ही आयोनिक ठोस चालू होगा वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ होगा कि आयोनिक ठोस विद्युत उदासीनता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, विद्युत उदासीनता। और विद्युत उदासीनता क्या होती है कि वहाँ से उसमें से कोई, मतलब यहाँ पे जो जितने धन है उतने ही ऋण होंगे, ठीक है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, दोनों मिलके कितना होंगे, 0, क्यों, ये देखो ये धन 10 और ये ऋण 10, दोनों को आपस में जोड़ो तो कितना है, 0। यहाँ पे अगर ये 20 है धन तो ये भी कितना होगा, ऋण 20, दोनों कितना हो जाएंगे, 0, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत उदासीनता, मतलब क्या, न तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर ऋण को हटा देते हो तो एक धन एक्स्ट्रा बच जाएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ धन को हटा दोगे तो ऋण एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना, आपको दोनों के दोनों ही हटाने, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, धन और ऋण दोनों आयन को हटाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका शॉटकी दोष। तो दोस्तों आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अशुद्धता दोष के साथ, ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।